पिछले 3 वर्षों से राजधानी रांची के मोराबादी स्थित इस सड़क पर रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण समय पर इस चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया जा रहा सका था, लेकिन अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं और इसी के मद्देनज़र शनिवार से 9वीं इंडियन रेस वॉक चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेस वॉकर पहुँचे हैं। जानकारी देते चले कि पिछले सत्र में रांची के इसी मोराबादी मैदान के सड़क ट्रैक पर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेस वॉकर ओलंपिक क्वालिफाइंग अंक हासिल किया था, जिसमें भावना जाट, प्रियंका गोस्वामी, संदीप कुमार जैसे और कई भी नाम शामिल हैं। इस वर्ष भी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेस वॉकर पहुँचे हैं। गौरतलब है कि मोराबादी का ये ट्रैक 5 साल के लिए सर्टिफाइड किया गया है और 2 साल तक इसी ट्रैक पर रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन लगातार किया जाएगा। इसमें 7 ओलंपियन और 3 लड़कियाँ हैं जो भाग ले रही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई हैं। एक जूनियर बच्चा है अमित, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में सिल्वर मेडल जीत के आया है। तो टोटल 10 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। 2 साल से पीछे 4th हो रही थी, इस बारी थोड़ा और मेहनत किया, कोचिज ने सपोर्ट किया तो अभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। 1st, 2nd, 3rd तीनों लोग एक ही जगह बैंगलोर प्रैक्टिस कर रहे थे। सब लोग अच्छे फिट थे, सभी अच्छी तैयारी में, तो सब लोग ही फाइट में थे। तो जो भी 1st, 2nd, 3rd आया, सब लोग अच्छे कम्पीट किया फाइट और नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। और आज मैंने एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अभी क्वालिफाई किया है, जो अगस्त और सितंबर में होने इसी वर्ष में।